काफ़ी रोज़गार। पहले तो मुझे ये बड़ा अजीब लग रहा है कि वो चाइनीज़ बोलते हैं, हम उर्दू बोलते हैं और अंग्रेज़ी में हम कंडक्ट करें अपनी। मेरी रिक्वेस्ट आगे से ये है कि हम भी उर्दू में कंडक्ट करें, हमें क्या ज़रूरत हम अंग्रेज़ी बोलने लगे हुए हैं। यहाँ हमारे लोग टीवी पे देख रहे हैं उनको हम अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। चेयरमैन NDRC, मेंबर्स ऑफ NDRC सिटिंग ऑल दैट वे इन चाइना, आई वॉन्ट टू थैंक यू मिस्टर वाइस चेयरमैन फॉर ऑल द नाइस थिंग्स यू सेड अबाउट अस एंड अबाउट CPAC, विच वी बिलीव इज मूविंग forward now from being simply a communication network to what it should be now, which is a proper agreement between Pakistan and China on industrial growth. Mr. Vice Chairman, I want to again say what a pleasure it was to receive you in Pakistan, and I hope to see you here again. Ab khawateen aur hazrat, pehle to mujhe ye bada ajeeb lag raha hai कि वो चाइनीज़ बोलते हैं, हम उर्दू बोलते हैं और अंग्रेज़ी में हम कंडक्ट करें अपनी। मेरी रिक्वेस्ट आगे से ये है कि हम भी उर्दू में कंडक्ट करें, हमें क्या ज़रूरत हम अंग्रेज़ी बोलने लगे हुए हैं। यहाँ हमारे लोग टीवी पे देख रहे हैं उनको हम अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, तो वो उनके लिए भी अगर आप इंटरप्रेटर, वो उर्दू बोलने वाले भी हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम अंग्रेज़ी में सारी अपनी कंडक्ट करें। मैं महमूद खान आपको मुबारक देता हूँ आज, ये बहुत बड़ी पख्तूनख्वा के लिए, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा ये एक माइलस्टोन है, लेकिन पख्तूनख्वा के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन इसलिए है कि जो रशा कई की ये जो आप इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, ये मौका देगा पख्तूनख्वा के लोगों को कि वहाँ भी इंडस्ट्री लगे, उधर भी लोगों को नौकरियाँ मिलें। मैं अभी UN की एक सर्वे देख रहा था, तो उसमें मुझे नज़र आया कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है और गुर्बत कम हो रही है वो पख्तूनख्वा में है, लेकिन सबसे कम एम्प्लॉयमेंट के लिए जगह हैं। सो लोग बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई मिडल ईस्ट जा रहा है, कराची में जाके एम्प्लॉयमेंट लेते हैं और शहरों में जाते हैं, लेकिन पख्तूनख्वा में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि एक इंडस्ट्रियल जोन वहाँ बने, और मुझे खुशी है कि जो चार इंडस्ट्रियल जोन्स CPAC के नीचे जो फैसला हुआ था, उसमें पहली जो सबसे तेज़ी से आगे बढ़ी है वो है रशाकई की इंडस्ट्रियल जोन। इसका मुझे तो खुशी ये है कि ये अब मौका मिलेगा पख्तूनख्वा के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में रह के नौकरियां लेना, मेरा तो ये इंटरेस्ट है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए अपने घर से दूर, अपने बीवी बच्चों को दूर छोड़ के जाना, और कितनी कितनी देर तक दूर रहना। और इंशाल्लाह जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो रशाकई का ये जो इंडस्ट्रियल जोन है, माशाल्लाह ये अगर ये इसी तरह जो अफगानिस्तान में पीस टॉक्स चल रही हैं तालिबान की और गवर्नमेंट की, और बहुत बड़ी ये भी अचीवमेंट है जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। हमने बड़ी कोशिश की इसके लिए कि ये इकट्ठे बैठें और वहाँ अमन आए, और अगर वहाँ अमन आ जाता है तो ये आप समझ जाएं कि ये आपका पूरी कनेक्टिविटी यहाँ से हो जाएगी सेंट्रल एशिया तक। उज़्बेकिस्तान के अभी वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे, उनसे मेरी बात हुई, वो बड़ी सीरियसली अब एक रेलवे मज़ार शरीफ से सीधा पेशावर तक आएगा। ML1 जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट है, जो बहुत पहले बनना चाहिए था, ये जो तेज़ी से जो अब चाइना से जो चाइना के साथ मिलके वो भी CPAC में है, कराची से लाहौर 8 घंटे में पहुंच जाएगी ट्रेन, और फिर 2.5 घंटे में इस्लामाबाद पिंडी पहुंचेगी। इससे बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी रेल ट्रैवल, और उसकी वजह से हमारी कार्गो सब चीज़ों में फ़र्क पड़ जाएगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सब चेंज आ जाएगा। और फिर जो कनेक्टिविटी अगर वहाँ से ये जो अब बात हो रही है उज़्बेकिस्तान से रेलवे की कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान से, तो ये सारा जो इलाका है इसकी चेंज होने वाला है, और इंशाल्लाह ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, उसका पूरी तरह इस मुल्क को फ़ायदा होगा। और पख्तूनख्वा
जो कि और ख़ास तौर पे कबायली इलाका जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं वॉर ऑन टेरर में, जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये जो आप रशा कही और ये जो कनेक्टिविटी और ये जो ट्रेन और ये अफ़गानिस्तान के में अमन आ जाए तो ये इलाके को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ हमारा इंटरेस्ट ये है, नौजवान आबादी है पाकिस्तान की, उनको नौकरियाँ मिलेंगी और खुशहाली आएगी। मैं पाकिस्तान के लिए भी ये समझता हूँ कि अब जो हमारा अब अगला फेज़ है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज होता गया है, 60s के अंदर बड़ी तेज़ी से हम इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे, फिर नेशनलाइजेशन हो गई, उस टाइम रोक दिया, फिर उसके बाद वो माहौल ही नहीं बनाया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ट्रेडिंग मुल्क बन गया और हम एक्सपोर्ट्स हमारी ना होने के बराबर हैं, छोटे छोटे मुल्कों के हमारे से 10 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है अगला रास्ता और इसलिए चाइना का हमें बहुत फ़ायदा है, चाइना से इंडस्ट्री रिलोकेट होना चाहती है, जिस तरह जितनी हम इंडस्ट्रियल जोन्स बनाते जाएंगे हम अट्रैक्ट करेंगे चाइनीज़ इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ चुके हैं हमारे मुल्क में, उसके मुकाबले में बड़ी अट्रैक्टिव कंडीशंस है। हमने अब पूरी तरह इंसेंटिवाइज करना है इंडस्ट्री को, अपनी इंडस्ट्री को भी और बाहर से भी, ख़ास तौर पर चाइना से जो इंडस्ट्री रिलोकेट होना चाहती है। ये जो भी आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब दोनों पार्टीज़ को मैं मुबारक देता हूँ और इंशाल्लाह ये शुरुआत है आगे प्रोग्रेस पाकिस्तान की भी और केपी की भी। शुक्रिया।